बेसिक चीज़ सीखते हैं। आप लोगों सबको ओपन कम नहीं करना आता है, क्रिएट कम नहीं करना आता है। अब आता है बैकअप। बैकअप का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर देखते हो कि अपनी किसी बैकअप को सुरक्षित रखते हो ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी जिसका ये एक ये सॉफ्टवेयर सर्विस मैं इसको ओपन करता हूँ, पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसका पासवर्ड सही है नहीं है इसका पासवर्ड, कि मैं 12 वर्जन में खोल रखी हूँ। सारी कंपनी कितने की आपकी? 16 वर्जन। तो इसको क्लोज करके मैं डीजी 16 ओपन करता हूँ। जैसे डीजी ओपन होगा तो सबसे पहले हम चलते हैं बैकअप पे। दे हम ट्राई करते हैं कि इसका पासवर्ड वही है जो मैं देख रहा हूँ, डी पासवर्ड बी यूजर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब मैंने सबसे पहले इसका बैकअप लिया, तो बैकअप के लिए हम कहाँ जाते हैं? इसके अंदर। अब इस पर गए, इंटर हमारा, इसका पासवर्ड यूज़र डाला, ओपन करा, फिर ये पूछता आपको बैकअप कहाँ लेना है। तो मैंने बोला आप ई ड्राइव पे जाइए, जैसे आप पास देते हो ना, ई ड्राइव पे जाइए और ओके कर दीजिए। कब? पूरे ईयर का लेना? मैंने कहा पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेना। जैसे ही ओके करा तो हमारा बैकअप चला गया, एक डेट में पूरा जाता है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? अगर आपने कहा कि गलती से आपकी कंपनी डिलीट हो गई, आप डिलीट पे गए, आपने उस कंपनी को करा और डिलीट कर दिया और पूरी कंपनी डिलीट हो गई, बट सर ने मुझसे कहा नहीं था, मुझसे गलती से डिलीट हो गई। अब सर कहते हैं कि मेरी कंपनी वापस ला, मेरी कंपनी इंपॉर्टेंट थी, मैंने जो भी काम करा वो सारा इंपॉर्टेंट था, वापस ला। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? री स्टोर पर। तो आप री स्टोर पर आओगे, उसकी लोकेशन दोगे कंपनी की, ई ड्राइव में थी, देन ओके कर दो, देन ओके, यस एंड यस। देखिए आपकी कंपनी यहाँ पर ओपन दिख रही होगी, ठीक है। तो आपको बैकअप समझ में आ गया, बैकअप के बाद रीस्टोर समझ में आ गया। अब आता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, इसके बारे में हम आगे सीख लेंगे, इसको इतना बड़ा इशू नहीं है। डिलीट कंपनी करनी आ गई। अब जब डिलीट कंपनी करते हो तो उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, जैसे अभी इस कंपनी में होता क्या, जब आप कंपनी को डिलीट कर देते हो पूछता है क्या इस कंपनी में, जैसे मैंने इसका पासवर्ड डाला नीचे वाली का, बी यूज़र बी पासवर्ड डाला, एक ही डाला था, बी यूज़र बी पासवर्ड। तो ये कहता है पूरी कंपनी डिलीट करनी है क्या फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना है? होता क्या है, किसी का आप काम कर रहे हो, उसके यहाँ 3 साल से बिजी ऑपरेट हो रहा है, या 3 साल से बिजी को वो चला रहा है, उसका 3 साल का डाटा है। अब फाइनेंशियल चेंज कहाँ से होता है? आप चेंज फाइनेंशियल में आओगे। अभी कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है? 1/4/2017, मतलब जो कंपनी बनाई होगी उसका फाइनेंशियल ईयर कितना है? 16। अब अगर आपको नए फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो आप इस पर एंटर मारोगे तो आपका सारा काम होगा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा आपका ओपनिंग। तो देखिए हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ इस कंपनी में? देखो 1/4/2017 पे खड़े हैं, अगर मुझे 16 में जाना है तो मैं आऊँगा चेंज, कहाँ पर जाना है? पुराने ईयर पे। इस पर 2 बार इंटर मारूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊँगा? अपने आप ऑटोमेटिक पुराने ईयर पे। अभी देखो 17, जैसे ही पॉपअप पे मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो इस समय आप कहाँ आ गए? पुराने ईयर में। अगर नए ईयर में जाना है तो दोबारा आप इसी पर इंटर मारिए, अगर आपने कोई चेंजेस करा तो यस कीजिए ताकि बैलेंस भी अपडेट हो, नहीं तो आप नो करके दोबारा से ईयर मारिए। सर ने कहा मुझे इस साल का ईयर चेंज डिलीट करना है, मुझे नया ईयर नहीं लेना, मुझे जो अभी गलती से बन गया इसको डिलीट करना है। तो आप कहाँ जाओगे? डिलीट के अंदर पासवर्ड डालोगे, यूज़र डालोगे और ये पूछता है ओल्ड कंप्लीट? नहीं, मैंने बोला सिंगल फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल डिलीट करना है? तो मैंने बोला 17/18 वाला, मैंने यस, मेरा वो ईयर डिलीट हो गया, ठीक है। तो डिलीट करने का ये बेनिफिट है। अब आता है री इंडेक्स डाटाबेस। री इंडेक्स डाटाबेस का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो इंटर मारते हैं, बीजी अपने आप ओपन होता है, हम कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप बन के आता है जिसके ऊपर लिखा था रन टाइम और बीजी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसका बैकअप लोगे। क्या लोगे? बैकअप, और फिर जाओगे री इंडेक्स डाटाबेस में। तो री इंडेक्स क्या करता है? उसमें जो वायरस आया था उसको रिमूव करता है। जैसे इंटर मारोगे सबसे पहले ये वार्निंग देगा, प्लीज़ टेक बैकअप बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑपरेशन, वो आपको एडवाइस करेगा और नीचे वाले पे क्लिक कर देना अगर आपका बैकअप ले लिया है। तो क्या होता है, जो इसके अंदर वायरस होंगे ऑटोमेटिक क्या करेगा? उसको रिमूव कर देगा, एंड देन ओके हो गया, कोई इशू। उसके बाद समझ में आ गया, री इंडेक्स कब यूज़ करेंगे? जब आपकी कंपनी ओपन ना हो रही हो, उसमें बार बार ऑटोमेटिक एरर आ रही हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसको री इंडेक्स डाटाबेस करेंगे, ठीक है। तो री इंडेक्स डाटाबेस हम इसलिए, नमस्ते।
अब इसके बाद आता है सेट डाटा डायरेक्टरी, तो आप लोग सब जानते होंगे। अब देखो इसके अंदर एक नीचे देखते हो यहाँ पर लिखा होता है अबव इन्फॉर्मेशन वैलिड फॉर द करंट सेशन ओनली। अब होता क्या है कि इसके यहाँ दो कंपनियाँ चलती हैं, जैसे एक कंपनी सी ड्राइव चलाता है और एक कंपनी वो ई ड्राइव चलाता है। तो चाहता है कि जब भी मैं बीजी को ओपन करूँ तो हमेशा यहाँ ई ड्राइव आए, तो आप इस पर टिक हटा देना। जब भी ओपन करेगा तो हमेशा क्या रहेगी आपकी ई ड्राइव फिक्स रहेगी, मतलब हाँ। तो आप इसको चेंज कर देंगे ना, आप चेंज कर दोगे और इस पर टिक हटा रहेगा, तो जब भी ओपन करोगे तो आपकी ई ड्राइव ही ओपन होगी, ठीक है। तो ये फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है सेलेक्ट बीजी मॉडल। सेलेक्ट बीजी मॉडल का मतलब क्या होता है, बीजी के तीन मॉडल होते हैं। पहला होता है बेसिक मॉडल। बेसिक क्या होता है, बेसिक मतलब जिसके अंदर आप सेल परचेस कर सके और पक्के का रिटर्न भर सको, वो क्या होता है आपका बेसिक सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते और सॉफ्टवेयर आपको पड़ेगा 8,000 रुपये का। इसके अंदर भी अंतर होता है, जैसे आप बी पे क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो क्या बनेगा बी एस, मतलब बेसिक का सिंगल यूजर जिस पर एक लोग काम करें। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखिए यहाँ की इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ऊपर क्या बन गया बी एस, मतलब बेसिक का सिंगल यूजर, मतलब जिसमें 8,000 का सॉफ्टवेयर एक ही मेंबर काम कर सकता है। ऐसा होता है बेसिक का ड्यूल यूजर, एक सॉफ्टवेयर लेकिन दो लोग काम करेंगे तो क्या बन जाएगा ड्यूल, डन ओके। तो क्या बनेगी इसकी फुल फॉर्म बी डी, आप इसी पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे क्या बन जाएगा बी एम, मतलब बेसिक का मल्टी यूजर जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग काम करेंगे। तो क्या फुल फॉर्म बनेगी इसकी, शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी बी एम। ऐसे नीचे आता है, नीचे क्या आता है आपका, अब आता है स्टैंडर्ड। अब एक कंपनी उसमें 10 लोग काम करते हैं तो सिंगल यूजर में तो काम नहीं करेगा ना, एक सिस्टम पे तो काम नहीं हो सकता ना, तो मल्टी डोंगल मल्टी यूजर का होना चाहिए ना, तभी तो काम होगा। अब आता है स्टैंडर्ड कि मेरे पास ये फीचर के पास सर अलग अलग फीचर, जैसे मैं सेल की कोडेशन भेज सकूँ, पैरामीटराइज स्टॉक मेंटेन कर सकूँ, जॉब वर्क कर सकूँ, तो किसे मिलेगा वो आपको स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के भी तीन पार्ट है, मतलब सिंगल एस एस, एस डी मतलब ड्यूल यूजर, और एस एम मतलब स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर। इसके बाद सबसे महंगा सॉफ्टवेयर जो आता है वो आता है एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है, सब कुछ होने के बाद आप पे रोल मेंटेन कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये ज़्यादा चीज़ों को इंपॉर्टेंट दी जाती है, ठीक है। एसएमएस कर सकते हो, वो कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट को रिपोर्टिंग कर सकते हो, वो यूज़र पे लोग लगा सकते हो कि एक दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं आपका। ये आता आपको पड़ेगा 22,000 रुपये, और इसका आप मल्टी यूज़र लोगों से 54,000 रुपये का सॉफ्टवेयर पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा फुल फॉर्म कैसे पता चलेगी, अगर इस पर क्लिक करूँ तो क्या बनेगी इसकी हम ईएम, ठीक है। अब आता है रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर। अब इसमें देखोगे दो ऑप्शन, एक एक्सेस होता है और एक एमएस एसक्यूएल होता है। अब एक्सेस क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप कोई कंपनी बनाते हो, जैसे आप इस कंपनी को देखना है कि मेरी कंपनी कहाँ चली, तो आप कहाँ जाते हो, सबसे पहले यहाँ जाते हो, देखते हो सी ड्राइव डिजिविन और डाटा के अंदर से मेरी कंपनियाँ चल रही हैं। तो आप यहाँ जाओगे सी ड्राइव में डिजिविन के अंदर डाटा के अंदर, तो आप यहाँ देखोगे कि आपकी जो कंपनियाँ बनी थी उसके अंदर ये एक्सेस की फाइल आती है। किसकी आती है, एक्सेस की। तो मतलब ये इस पैटर्न से बनती है कि आपने यहाँ बोला कि जो भी मैं कंपनी क्रिएट करूँगा किस फॉर्मेट में हो, एक्सेस में। अगर मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर कर दूँगा, ये बहुत बड़ा सर्वर होता है, जो भी काम होगा सर्वर पर होता है। जैसे हम लोगों को अपने अकाउंट देखना होता है तो हम एक्सेस पर नहीं करते, एसक्यूएल सर्वर पर करते हैं, हम वर्ल्ड के किसी भी कोने पर जाके ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे बहुत बड़ी कंपनी होती है, अलग ब्रांच है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। अब आता है रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ये पता है क्या होते हैं, अब मैं इस पीसी को इस पीसी पर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर बीजी ने खुद दिए। कौन से दो सॉफ्टवेयर हैं इनके पास, पहला है बीजी, दो सॉफ्टवेयर इनके पास ऑलरेडी बने बनाए, एक है आपका टीम वीवर और दूसरा एम ई हेड। आप इस पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा यहीं से, डाउनलोड करना है, मैंने कहा बिल्कुल सेव करना है, देन डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है। देखिए ओपन हो गया। अब इसको ओपन करने से बेनिफिट क्या होता है कि अगर मुझे कभी प्रॉब्लम आएगी तो मैं बस अपनी आईडी को बताऊंगा, इस आईडी को जो यहाँ आई है, सामने वाले मेरे सिस्टम को कनेक्ट करेगा और मेरी सारी प्रॉब्लम को यूज़ कर लेगा। मैं मोस्टली जब भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो यही वे बताता हूँ, या तो सॉफ्टवेयर एम ई एडमिन बताता हूँ, या एनडिक्स बताता हूँ, या टीम व्यूअर, या आई मैप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन जो मुझे तीन सॉफ्टवेयर है वो ये है, ठीक है। अगर आपको भी कभी प्रॉब्लम होती है तो आप इस सॉफ्टवेयर से मुझे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
कॉल तो करनी पड़ेगी, बस एक बार आईडी बता दो, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक कनेक्ट करके फिर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप जो आपने ओपन करा है या टीम व्यूअर जो आपका है, इसके अंदर आपके बहुत सारी फैसिलिटी हैं कि आप उसका डेस्कटॉप लेना चाहते हो, आप उसकी फाइल लेना चाहते हो, फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हो या उससे चैटिंग करना चाहते हो, तो बहुत सारी फैसिलिटी इसके अंदर आपका सैप सॉफ्टवेयर होता है बस, तो रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर समझ में आ गए। उसके बाद आता है बीजी के लाइसेंस मैनेजमेंट है, इसका इतना कुछ खास नहीं है, और हमारे लिए आप पढ़ सकते हो कि लाइसेंस हम आपको देते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ठीक है। देन जनरेट सिस्टम, तो बेसिकली आपके लिए यूज है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ होती है, कुछ खास वीडियो नहीं है इसके अंदर, आप देखोगे तो 16 के अंदर इन्होंने क्या करा, एक चीज़ हटा दी। अब 12 में जाओ तो बीजी के अंदर एक ऑप्शन था जिसके अंदर आप बीजी के खुद कलर कर सकते हो, कैसे दिखाता हूँ। बीजी को ओपन करा 12 वर्जन को, तो आपके पास मिलेगा सेट कलर, स्क्रीन पे जाइए तो जो कलर अपना कर सकते हो बीजी के यहाँ डबल क्लिक करके आप उस कलर को सेलेक्ट कीजिए, वो आपका पूरा बीजी उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का लेजर देखना है तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो आप ऐसे अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा कलर क्या होना चाहिए, जब भी मैं परचेज करूँ तो उसकी लिस्ट का कलर ये होना चाहिए मिला। अब आप ओपन करके देखोगे तो आपका बीजी का कलर ये हो गया, एंड देन सेव, अप टू करके सेव कर हो गया। अब कोई भी कंपनी आप ओपन करोगे तो उसकी सेल की लिस्ट क्या होगी, उस पैटर्न में होगी, ये 12 वर्जन कंपनी का ओपन नहीं हो सकती। तो अभी चीज़ समझ में आ गई, ओपन कंपनी सबको करना आता है। अगर कोई लोकेशन पूछता है मेरी कंपनी कहाँ चल रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जाओगे, सिलेक्ट कंपनी फॉर द ऑपरेशन के अंदर डाटा डायरेक्टली सी ड्राइव बिजी इन डाटा के अंदर, ठीक है। क्रिएट कंपनी समझ में आ गया, बैकअप समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखना, बैकअप अगर आप यहाँ से लोगे तो यहाँ से ले सकते हो। दूसरा तरीका बैकअप लेने का होता है कि आप जहाँ इसकी ड्राइव, जैसे मैंने मुझे बोला कि मुझे इसके अंदर से कंपनी कोड नंबर 5 का बैकअप लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, कहाँ लोकेशन थी, सी ड्राइव में बिजी विन के अंदर डाटा के अंदर C5 कंपनी को कॉपी करूँगा और मुझे दूसरी लोकेशन जाके पेस्ट कर दूँगा, तो ये भी क्या होता है, मेरा बैकअप कलर है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, अगर आपके पास पेन ड्राइव में और आपने गलती से यहाँ से डिलीट कर दिया तो डाटा कभी वापस नहीं मिलता पेन ड्राइव वाला, लेकिन जब आप ऐसे नॉर्मल सिस्टम से काम करोगे तो आपका कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। और कभी कभी रिसाइकिल बिन पॉपअप भी नहीं पूछे, अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो मुझसे एक आता ना अलर्ट, वो इसलिए नहीं आता कि जब इसकी राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो यहाँ पर लिखा होता है डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स, अगर आप इस पर टिक हटा दोगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपसे पूछेगा इंटर, तो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसको करा, देन अप्लाई, देन ओके। अब मैं इस पर गया राइट क्लिक एंड देन डिलीट, तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपसे कन्फर्मेशन नहीं मांगेगा। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप देख लेना कि इस टॉपिक को होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है आप किसी को, तो अभी जो चीज़ सिखाई इनमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो आपको बैकअप लेना, ओपन कंपनी सबको आता है, क्रिएट कंपनी नई कंपनी बनाने के लिए करते हैं। बैकअप सिंपल था कि जिस कंपनी को सिलेक्ट करना है उसका पासवर्ड डालो, बैकअप रीस्टोर, अगर उसी कंपनी को रीस्टोर करना है तो क्या करेंगे, रीस्टोर, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना, फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अब होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले समझिए फाइनेंशियल ईयर का क्या बेनिफिट है। फाइनेंशियल जैसे आज आप काम कर रहे हो, आज सपोज आपके सिस्टम में 31 मार्च 2017 है, अब आपको नए ईयर में काम करना है, मतलब 1 अप्रैल 2017 में काम करना है। अभी आपकी कंपनी कब बनी, 1 अप्रैल 2016 को, अगर आपको 1 अप्रैल 2017 डालोगे तो क्या आएगा, अगर आ जाएगा, क्यों बताएगा, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल ईयर कितने ईयर का होता है, 1 साल का होता है। तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे चेंज फाइनेंशियल ईयर पे, आप इस पर एंटर मारोगे तो आप किस में चले जाओगे, ऑटोमेटिक नए ईयर। आपकी कोई एंट्री शो नहीं होगी, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा क्या बन जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस। अब आप इस समय कहाँ पर हो, नए ईयर पे। अगर आप किसी पार्टी का लेजर खोल के देखोगे तो उसका जो एंट्रियाँ, वो एंट्रियाँ नहीं शो होगी। अभी अगर कोई पार्टी का लेजर खोल, जैसे गौतम को खोल लेता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसका जो क्या हो गया, ओपनिंग ईयर,
लेकिन अगर मुझे इसकी एंट्री देखनी है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मुझे 1/4/2016 से देखना है, कब तक, 1/2/2017 तक, तो इसकी एंट्री देखनी है। इसको ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा, ओपन के लिए आपको पुरानी गेम में जाना पड़ेगा। अब इस समय आप कहाँ खड़े हो, 17 में, लेकिन एंट्री को ठीक करने तो कहाँ जाओगे आप, सबसे पहले चेंज फाइनेंशियल ईयर में 16 में आओगे, इस पर जाओगे, ठीक है, फिर गौतम का ओल्ड प्लस एल से लेजर निकालोगे, ठीक है, और फिर चेंज कर लेंगे दोबारा। अगर सपोज चेंज हो गया, सपोज आपने एक पीस बढ़ा दी और आपने सेव कर दिया, सेव हो गया, कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी ने कहा कि मुझे इसका अब इसको दोबारा पुराने नए ईयर में जाना, तो आप इस पर एंटर मारोगे तो पूछेगा क्या जो आपने चेंजेस करें वो भी अपडेट करना चाहते हो, तो आप करेंगे यस, अगर यस करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा, वरना अपडेट नहीं होगा। इसी का सबसे पहले आप कंपनी का बैकअप लोगे, कंपनी को डिलीट करोगे, रिस्टोर करोगे, बीजी के मॉडल के बारे में देखोगे, अभी बहुत चीज़ सिखा रहा हूँ उसको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नए ईयर में आ गए, ठीक है, अगर ऐसे करना तो पुराने नए पुराने ईयर में करना पड़ेगा, तो समझ में आ गया इसका।